हाँ भाई काबा छगल। लॉन्ग रन बना लेते डायग्राम तो आगे आगे बढ़ो बेटा आगे बढ़ो। तो मोनोबल से कंपटीशन लॉन्ग रन बड़ा प्रॉफिट मिला था कि डॉलर प्रॉफिट की लॉस रीजन रीजन नॉर्मल प्रॉफिट ही क्यों मिला था। ऐसे पढ़ोगे ना अगर फ्री एंट्री एंड यस कृतिका राइट आंसर। अगर प्रॉफिट होगा तो न्यू फॉर्म मार्केट में एंटर करेगी और लॉस होगा तो फॉर्म मार्केट छोड़ के चली जाएगी। इससे मिलेगा सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट नो प्रॉफिट हेडिंग मोनोपोली यस मोनोपोली। धिक्कार है अरे एकाधिकार है तो लिखो मोनोपोली। और मोनोपोली में सबसे पहली हेडिंग है रेवेन्यू कर्व। तो मोनोपोली में बनाओ बेटा रेवेन्यू कर्व। अभी भी हमारी बातें बंद नहीं हुई हैं। कर लो बेटा पहले बातें कर लो बाद में पढ़ लेंगे तो फालतू का टॉपिक वैसे भी क्या फायदा पढ़ने से। चले बेटा आगे लिटरली निराश कर देते कभी लोग आप बहुत ज्यादा। अरे क्या है क्यों है किस लिए आगे चलो क्या है ये तो ऐसे क्यों है ये चलो आगे बढ़ते बेटा। मैं मानता हूं कि सुबह से आते हैं पढ़ के थक जाते हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उस सब्जेक्ट को सीरियसली ना लें जो सबसे ज्यादा हेल्प करेगी। ध्यान रखना मेरी बात को और जिस दिन पेपर दे के आओगे ना उस दिन मेरी बात आपके कानों में गूंजेगी क्योंकि सब सब्जेक्ट नंबर खाते हैं कभी ना कभी। एक वो जो हमेशा से नंबर देता हुआ रहा है ना वो इकोनॉमिक्स है। जब भी एग्रीगेट पे नंबर कम पड़ेंगे ना तो एग्रीगेट पे नंबर दिलवाने वाला एक ही होगा ध्यान रखना और उसका नाम इकोनॉमिक्स है। तो पढ़ लो दोबारा कह रहा हूँ फायदा आपका ही है नहीं पढ़ोगे तो हमारा फायदा है बेटा। दोबारा फीस दोगे ना दोबारा फीस दोगे फिर फायदा होगा एक बैच और बनेगा। अरे वाह अभी आने वाला है रिपीटर बैच बेटा रिजल्ट आएगा कुछ बच्चे इंटर में आएंगे कुछ रिपीटर में आएंगे।
अरे तो इंटर तो देगा ही देगा, वो फाउंडेशन में 2 बार देगा ना, फाउंडेशन में 2 बार फीस दी तो फायदा ही बड़ा हमारा तो। लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप हमें वो फायदा दें, मैं चाहता हूं कि आप अपने पेरेंट्स की भलाई का सोचें। बहुत मेहनत से पैसा कमाते हैं वो, हाँ जिनके मेहनत से नहीं कमाते हैं वो एक अलग बात है। और मेरे हिसाब से यहाँ जितने बैठे हैं सबके पेरेंट्स भैया बहुत मेहनत से पैसा कमाते हैं, तो अपनी नहीं तो उनकी सोच लो, ठीक है ना। आपने सिर्फ बोला था और आपको यहाँ पे एडमिशन करवा दिया गया आपका। जब वो ऐसे नोट गिन के यहाँ पे दे रहे थे ना बेटा, तो शायद आपको दुख होना चाहिए था उस बात का कि ये फीस मेरे लिए लग रही है यहाँ पे, तो शायद मुझे इसको यूटिलाइज करना चाहिए। और मेरे पेरेंट्स को खुशी होनी चाहिए कि उन्होंने पैसे दिए, तो कृपया करके हमारे लिए मत पढ़ो, उनके लिए पढ़ लो। उनके लिए तो पढ़ सकते हो, हमारे लिए मत पढ़ो बेटा। किसके लिए पढ़ लो बेटा? नहीं हमारे लिए मत पढ़ो बेटा, कोई बात नहीं, उनके लिए पढ़ लो बेटा। सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर यह है कि MR नेगेटिव क्यों है। तो MR नेगेटिव है क्योंकि यहां पे डिमांड इनइलास्टिक है। अब डिमांड इनइलास्टिक कैसे है पहले वो समझेंगे हम। मैंने कल बताया था AR हमारा डिमांड कर्व होता है। सो व्हेन प्राइस इज OP डिमांड इज OQ, प्राइस डिक्रीजेस टू P1 डिमांड इंक्रीजेस टू Q1। सो बेटा प्राइस का चेंज कम है कि ज्यादा है बेटा, और डिमांड का चेंज, तो डिमांड इलास्टिक है कि इनइलास्टिक है। तो पहला मुद्दा तो ये कि इनइलास्टिक है। अब इनइलास्टिक का MR नेगेटिव होने से क्या रिलेशन है? तो यहां पर कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में जहां पर आपको MR की वैल्यू फाइंड करनी होती है, और फॉर्मूला होता है AR इंटू ई माइनस वन अपॉन ई, AR इंटू। तो नॉर्मली बेटा आपको वो AR की वैल्यू देगा, किसकी वैल्यू देगा? और इलास्टिसिटी की वैल्यू देगा। और आप क्या निकालनी होगी बेटा वहां पे? MR निकाल पाओगे बेटा आप लोग? जैसे मान लो AR दे दिया आपको 10, AR कितना दे दिया आपको? 10, और इलास्टिसिटी है 0.5। हाँ जी AR 10 है, इलास्टिसिटी है 0.5, 0.5 माइनस वन अपॉन 0.5, आंसर क्या आया? -10 आया। लेकिन अगर AR की वैल्यू नहीं दी है तो भी हम MR फाइंड कर सकते हैं, और ये बनेंगे आपके लिए 3 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन? जहां पर AR की वैल्यू नहीं है, क्वेश्चन है इलास्टिसिटी ग्रेटर देन वन, इलास्टिसिटी क्या बेटा, और हमें MR की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी बेटा? MR की वैल्यू ग्रेटर देन वन है तो अपन ने इलास्टिसिटी ले लिया 2, एक से ज्यादा है ना, तो कितना ले लिया अपन ने? 2, 2 माइनस वन अपॉन 2। फॉर्मूला यहां पे रहेगा MR इक्वल्स टू ई माइनस वन अपॉन ई, ई माइनस वन अपॉन ई। तो ई की वैल्यू कितनी है? 2, 2 माइनस वन अपॉन 2, 1 अपॉन 2, 0.5। तो आंसर पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया? तो अगर इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है तो MR होगी पॉजिटिव। क्या होगी बेटा? MR पॉजिटिव। अगर E इक्वल्स टू 1 है, E क्या बेटा, तो 1 माइनस 1 अपॉन 1, 0 अपॉन 1, तो MR क्या होगा बेटा? 0। और अगर इलास्टिसिटी लेस देन 1 है, तो लेस देन 1 है तो वैल्यू ले लिया अपन ने, E की वैल्यू ले लिया अपन ने 0.5। कितनी वैल्यू ली बेटा अपन ने? 0.5 माइनस 1 अपॉन 0.5, माइनस 0.5 अपॉन 0.5, सो माइनस 1। यानी अगर इलास्टिसिटी लेस देन 1 है तो MR होगा नेगेटिव। क्या होगा बेटा? इसलिए इस मार्केट में MR नेगेटिव है क्योंकि यहां पे इलास्टिसिटी है लेस देन 1। क्लियर? तो यहां पर MR बनाने के साथ साथ इलास्टिसिटी भी दिखाइए, और ये पूरा नोट भी कीजिए बेटा फटाफट से। हाँ बेटे,
बेटा ए आर की वैल्यू दी हुई नहीं यहाँ पे, हमें सिर्फ ये पता लगाना है कि अगर इलास्टिसिटी ग्रेटर देन माने तो एम आर की वैल्यू क्या होगी। अभी क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ बेटा मैं, डोंट वरी। तो वो क्वेश्चन भी आ सकता है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, दोनों आ सकते हैं बेटा, दोनों आए हुए हैं एग्जाम में, जहां पर सिर्फ यही पूछ रहे कि अगर इलास्टिसिटी ग्रेटर देन माने तो एम आर की वैल्यू क्या होगी। एम आर पॉजिटिव होगा, इक्वल्स टू माने तो जीरो होगा, और लेस देन माने तो नेगेटिव होगा। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है बेटा, और आया हुआ है बेटा। क्लियर है बेटा, नोट किया सबने? तो हेडिंग लिखिए बेटा, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम। लेकिन इससे पहले क्वेश्चन की बात चल रही थी तो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21। तो 19 का आंसर क्या है बेटा? ऐसे क्वेश्चन आएंगे भाई साहब, हो जाएगा सॉल्व। गुड, क्वेश्चन नंबर 101। ये शटडाउन पॉइंट का क्वेश्चन है, तो बताइए उसे लॉस हो रहा है लेकिन वो कंटिन्यू करना चाहता है। तो कितने लोग ए के साथ हैं और कितने लोग बी के साथ, कितने लोग सी के साथ और कितने लोग डी के साथ? देखो बड़ा सिंपल सा केस है, प्राइस इक्वल्स टू एबीसी पर वो शट डाउन भी कर सकता है और कंटिन्यू भी कर सकता है। यहां पर हमारे पास उससे बेटर ऑप्शन है बेटा, अगर प्राइस ग्रेटर देन एबीसी है ना तो वो कंटिन्यू ही करेगा, वो शट डाउन नहीं करेगा। हाँ बेटा, बेटर ऑप्शन।
इक्वल पे तो शटडाउन फिर भी कर देगा, यहाँ पे कभी नहीं करेगा बेटा वो, या 100% क्या करेगा वो कंटिन्यू करेगा। तो जहाँ पे 100% कंटिन्यू है आप उसी को सही मानेंगे बेटा। सो द बेटर ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन 104, क्वेश्चन नंबर 182, P1 प्राइस पर क्या होगा? ये P1 प्राइस है, तो P1 प्राइस पे कितना प्रोडक्शन होगा? क्यू ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, Q4, Q5, Q6 एंड Q7। क्यों जीरो आउटपुट? तो ये अब दिखाई दे रहा है। अब इससे कमजोर आंखें हैं तो बेटा फिर तो, यानी आप गलत बताएंगे फिर मैं एग्जाम सेंटर पर आके बताऊंगा आपको, नहीं बेटा नहीं 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 बेटा नहीं, ये गलत है बेटा, देखो ऐसे नहीं देखो बेटा है बेटा, रीजन उनके लिए है जो कल क्लास में थे और परसों, जो क्लास में नहीं थे उनके लिए रिकॉर्डिंग देखे बेटा। क्या देखो बेटा आप, गुड, क्योंकि समझ में नहीं आएगा बेटा समझाने से, यहाँ पे AR लेस देन ABC है बेटा, इसलिए बेटा यहाँ पे शट डाउन होगा बेटा, समझ में आया बेटा? मैंने कहा था नहीं आएगा बेटा, क्योंकि इसको समझाने में हमने करीबन 30-35 मिनट खराब किए थे बेटा, तो ऐसे नहीं आएगा बेटा, ये रिकॉर्डिंग देख लेना एक बार, उसके बाद आपको मेरी का किसी की भी हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले प्लीज़ क्वेश्चन को पढ़ें, मैं ये एक बार नहीं कम से कम आपसे कई बार कह चुका हूँ और आप वही गलती बार बार दोहरा रहे हैं। क्वेश्चन को देखा सीधा टूट पड़े, नहीं बेटा ऐसे बार नहीं पड़ेगी बेटा, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना जरूरी है बेटा, और वो काम तो हम कभी करते ही नहीं है बेटा, है ना, क्वेश्चन पढ़ना हमारी शान के खिलाफ है। क्वेश्चन नंबर 3, अरे फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन क्या होती है? MR इक्वल्स टू MC, गुड।
क्वेश्चन नंबर 16, सो व्हाट इज द राइट आंसर? सो कितने लोग ए के साथ हैं, बी के साथ, सी के साथ, डी के साथ? अगर डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है तो या तो वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है या फिर वो मोनोपोली है, लेकिन वो परफेक्ट कंपटीशन नहीं हो सकता। सो फर्म इज नॉट ए प्राइस टेकर, क्योंकि प्राइस टेकर सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन में होती है। तो हम 100% कह सकते हैं कि फर्म प्राइस टेकर नहीं है। मार्केट है बेटा ये, यहां पर इजी आसान क्वेश्चंस नहीं आते बेटा, यहां पर वो क्वेश्चंस आते हैं जो दिमाग को हिला के रखते हैं बेटा यहां पर। चलो 23 का आंसर तो आप दे सकते हो। ए सी इक्वल्स टू 22, सुपर डॉलर प्रॉफिट नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 24, तो कितने लोग ए के साथ हैं, बी के साथ, सी के साथ, डी के साथ? भाई साहब एक आदमी समझा के थक गया, ये समझना ही नहीं चाहते। अरे एसी जब मिनिमम होता है तो एमसी इक्वल्स टू एसी तो होता है भाई। क्या होगा इसका? तो प्रोडक्टिव एफिशिएंसी, जहां पे एवरेज कॉस्ट मिनिमम होती है तो वहां पे प्रोडक्टिव एफिशिएंसी नहीं होती है। एफिशिएंट लेवल ऑफ आउटपुट क्या होता है, जहां पे एसी क्या होती है, मिनिमम। सही तो कह रहा, गलत क्या कह रहा है? 25 आसान क्वेश्चन। अब इससे आसान तो क्या ही मिलेगा बेटा। तो कितने लोग ए के साथ, कितने बी के साथ? पूरे पूरे हाथ उठाओ। कितने सी के साथ और कितने डी के साथ? तो बेटा सिर्फ दुआ में हाथ उठाओ बेटा।
हाँ बेटा, बीओडी में से। अरे वाह बेटा, एग्जाम में लिखना बीओडी में से, एक सही है। गुड क्वेश्चन। कॉस्ट ऑफ द लास्ट यूनिट, सो कॉस्ट ऑफ द लास्ट यूनिट इज एमसी, इज एग्जैक्टली इक्वल टू प्राइस एंड प्राइस इक्वल्स टू एआर। तो कॉस्ट ऑफ द लास्ट यूनिट इज एग्जैक्टली इक्वल टू प्राइस। बाकी कहानी सुनाने के लिए, सुनो पढ़ो, अच्छी कहानी है, समझ में आ जाए तो। अरे कोई सही मार्केट हो भाई। अरे बेटा समझो, कहां लिखा हुआ है परफेक्ट कॉम्पिटिशन में? क्यों मानेंगे बेटा अपन? साहब कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ द लास्ट यूनिट, लास्ट यूनिट कॉस्ट क्या है? एमसी। जब तक आप नेक्स्ट यूनिट प्रोड्यूस नहीं करते हो तब तक लास्ट यूनिट एक सिंगल यूनिट है, उसकी कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट है। और प्राइस किसके इक्वल होती है? एआर के। और ये तो कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ लास्ट यूनिट एमसी इज एग्जैक्टली इक्वल टू प्राइस, और प्राइस किसके इक्वल होता है? एआर के। लिखा हुआ बेटा यहां पर, होता तो भी वो क्या जानना चाह रहा है आपसे? क्या जानना चाह रहा है? कि द कॉस्ट ऑफ द लास्ट यूनिट इज एग्जैक्टली इक्वल टू प्राइस, मार्केट जो मर्जी हो। तो जानना क्या चाह रहा है बेटा? वो जानना चाह रहा है कि कॉस्ट इक्वल है प्राइस के, इसका मतलब क्या है? बस खत्म हो गया बेटा। आसान क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। प्योर और परफेक्ट का डिफरेंस उस दिन समझाया था जिस दिन टेबल बनवाई थी, और मैंने कहा था उसमें से तीन ही फीचर्स होते हैं और स्टार्टिंग वाले तीन ही होते हैं, कोई से भी तीन नहीं। कौन से तीन? सो राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 41। पक्का? तो कितने लोग एक के साथ? ए के साथ है आप? गुड। बी के साथ? सी के साथ? डी के साथ? गुड। एंड द राइट आंसर इज ए, क्योंकि वहां पे फर्म इंडस्ट्री और इंडस्ट्री फर्म है, मोनोपोली है भाई, एक ही फर्म है, वही इंडस्ट्री और वही फर्म है। 43। कितने लोग ए के साथ? कितने लोग बी के साथ? सी, डी, इस पॉइंट पे लास्ट क्या होगी? तो सोचने की बात है, वही तो कह रहा है कि आर पॉइंट डिमांड करो तो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो मिड पॉइंट तो हो गया। फोर्टी फाइव। सारे सही है क्या? तो सारे बराबर होते हैं।
पी इक्वल्स टू एम आर इक्वल्स टू ए आर इक्वल्स टू एल एम सी इक्वल्स टू, आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 62, अरे कल ही बताए थे तो। तो कुछ और क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा टॉपिक पढ़ ले पहले। तो हेडिंग लिखिए बेटा, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम अंडर मोनोपोली मार्केट। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम अंडर मोनोपोली मार्केट, तो खत्म कर दो बेटा मोनोपोली को आज। कल पढ़ेंगे ओलिगोपोली और कल आपका चैप्टर कंप्लीट। बिल्कुल क्वेश्चंस इसके बाद इको में दो चैप्टर। किसके डिमांड के? किंग डिमांड ओलिगोपोली में आएगा बेटा, कल पढ़ाएंगे बेटा, आज मोनोपोली खत्म कर लो। तो मोनोपोली में सबसे पहले बनाइए प्रॉफिट, बेटा शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम अंडर मोनोपोली मार्केट, उसमें प्रॉफिट। बनाई बेटा हमारे यार, बनाया बेटा। तो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन कंप्लीट कीजिए बेटा, एम आर इक्वल्स टू एम सी, एम आर इक्वल्स टू एम सी एंड एम सी शुड बी इंक्रीजिंग। जिस पॉइंट पे एम आर एम सी कट कर रहे हैं वह आपका आउटपुट और ए आर प्राइस के इक्वल होता है, जैसा कि आप जानते हैं बेटा। बनाया क्या बेटा? तो प्रॉफिट की कंडीशन क्या होती है बेटा? ए आर ग्रेटर देन, तो आपको पता ही कि अपने लिए मैटर करती है सिर्फ ये लाइन। तो ध्यान से देखिए, एसी तब तक डिक्रीज होती है जब तक एमसी को कट नहीं करती, मिनिमम पे कट करेगी, कट करने के बाद इंक्रीज। अब एमसी और एसी किस पॉइंट पे कट कर रहे हैं इससे अपना कोई लेना देना नहीं है। इस लाइन को कहां पे कट किया बेटा इसने? तो इस लाइन को कट किया इसने यहां पर, ये आपका टी पॉइंट हो गया। कौन सा पॉइंट? तो आपकी रेवेन्यू है ई क्यू कितनी बेटा, और कॉस्ट कितनी है बेटा? तो ई टी क्या बेटा आपका? प्रॉफिट। ई क्यू माइनस टी क्यू इक्वल टू ई टी, ई टी क्या बेटा आपका? प्रॉफिट। बनाइए बेटा,
बनाया सबने, तो हेडिंग लिखिए नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट। नो प्रॉफिट, बनाइए बेटा। बनाया तो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन को कंप्लीट कीजिए बेटा, एम आर इक्वल्स टू एम सी। जिस पॉइंट पे एम आर एम सी कट कर रहे हैं बेटा आपका आउटपुट, ये आपकी प्राइस, ये आपकी रेवेन्यू। और आपको दिखा रहा है डॉलर प्रॉफिट, यानी कि ए आर इक्वल्स टू, तो यहां पर देखो एसी ऊपर से आया, ई पॉइंट को टच किया, फिर भी डिक्रीज होगा क्योंकि एमसी को कट नहीं किया, और एमसी को कट करने के बाद क्या होगा, इंक्रीज। तो आपकी रेवेन्यू थी ईक्यू और कॉस्ट भी है आपकी ईक्यू, इक्वल्स टू जीरो, नील बटे सन्नाटा, ना प्रॉफिट ना लॉस। खाली हाँ, मैंने कहा था डायग्राम सेम बनेंगे, सिर्फ एम आर आर का डिफरेंस है बेटा। बनाया क्या भाई? तो हेडिंग लिखिए लॉस। बनाई उड़ा और फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन आपको दिखा रहे हैं यहां पे लॉस, और लॉस की कंडीशन होती है या फिर एसी इज ग्रेटर देन, तब आपको पता ही कि आपको क्या करना है, एसी ऊपर से आया, एमसी कट किया, इंक्रीज हो गया, और इस लाइन को एक्सटेंड करके टच करना है एसी को, ये आपका टी पॉइंट। तो भाई साहब टी क्यू तो आपकी कॉस्ट है, ई क्यू आपकी रेवेन्यू है, और टीई है आपका लॉस। बनाया बेटा तो हेडिंग लिखिए बेटा, रुक जाए बना लो बेटा आराम से। कुछ नहीं रौनक, हाँ बिल्कुल। तो हेडिंग लिखिए लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम अंडर मोनोपोली मार्केट,
लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम अंडर मोनोपोली मार्केट। आपने सबसे पहले पढ़ा परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में लॉन्ग रन में आपको प्रॉफिट मिला था, डॉलर प्रॉफिट या लॉस, और रीजन क्या था उसका? फ्री एंट्री एंड आओ तो वेलकम, गुड। और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन लॉन्ग रन में क्या मिला, रीजन क्या था? फ्री एंट्री एंड आओ तो और जाओ तो। लेकिन यहाँ पे तो बेटा सिंगल सेलर ही है और नो एंट्री फॉर न्यू फर्म, न्यू फर्म मार्केट में आ नहीं सकती, इस टेस्ट को लॉन्ग रन में भी प्रॉफिट मिलेगा बेटा। अकेली ऐसी कंडीशन है मार्केट में, अकेला ऐसा मार्केट है जिसको लॉन्ग रन में क्या मिलेगा, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का डायग्राम बनाना है, खाली एम सी को एल एम सी और ए सी को एल ए सी कर दो बेटा। एम सी के क्या लिखना है, एल एम सी, और एसी की जगह एलएसी। भाई साहब लॉस का डायग्राम बना दिया आपने, भाई सामने देखे देखे डायग्राम गलत बना रहे हो यार। क्या मैं सोचता हूँ इनका तो क्या ही होता होगा, इनका तो या तो फ्री में कैच कर लेता हूँ, पकड़ लेता हूँ कि ये लोग सही बना रहे गलत। भाई एक बार आप लोग कॉपी चेक कराना मेरे को, आप लोग तो पता लगे कि ये डायग्राम बनाते भी है कि नहीं बनाते हैं, और बनाते तो क्या बनाते हैं भाई। ये सामने के सब डायग्राम बना हुआ, लॉस का डायग्राम बना दिया बेटा। बेटा पहले बनाओ एम आर इक्वल्स टू एम सी, अब इसमें आउटपुट प्राइस सब पहले डिसाइड कर लो, लास्ट बनाना चाहिए एसी इसमें, जब सारी कहानी खत्म हो जाए तब। क्लियर है बेटा? तो इससे आगे कहानी डिस्कस करेंगे कल, मजे करो बेटा।